इट्स टोटली अनप्लान गाइस, मैंने इस वीडियो के बारे में प्लान नहीं किया था, बट बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं लाइक ये फ़ोन कैसा है, वो फ़ोन कैसा है, कौन सा फ़ोन ले, और ये अच्छा वो अच्छा, यू नो इस लिस्ट पे वर्क करने लगा था। अगर आपको मैं लिस्ट दिखाऊँ, मैं अर्ली मॉर्निंग से लिस्ट ही बना रहा हूँ। आई मीन ऑब्वियसली सभी फ़ोन तो गाइस मैंने नहीं ट्राई किए, आई मीन सैकड़ों फ़ोन आते हैं, तो जो पॉपुलर फ़ोन मैं ट्राई करता हूँ मैं आपको उन्हीं के बीच में स्टफ्स दिखा सकता हूँ कि आप यही फ़ोन परचेज कर लीजिए। ओके, और यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे दर्जनों यहाँ पे टैब्स ओपन हैं, एंड देखता गया हूँ, देखता जा रहा हूँ, यू नो टोटली मैं कन्फ्यूज़ हो गया, सीरियसली बहुत ही कन्फ्यूजिंग होता है। और अभी जो मैंने देखा, एक एक दो दो रुपए में फ़ोन बदल जा रहे हैं, 2 रुपये बढ़ाइए तो इस ब्रांड का, 3 रुपये बढ़ाइए तो सेम ब्रांड का। आई मीन नहीं, कंपनीज इतने फ़ोन क्यों लॉन्च करती हैं? सो टू कट डाउन इन द समरी, मैं आपको शॉर्ट में कुछ फ़ोन के नाम बताता हूँ, इंस्टेड ऑफ मैं आपको 50 फ़ोन बताऊँ। तो अगर आपको 10,000 के अंदर में एक फ़ोन लेना है, वैसे तो बहुत से ऑप्शन हैं, पॉपुलर ब्रांड्स आप सभी जानते हो, पोको, रेडमी, इन्फिनिक्स, सैमसंग, सभी के आते हैं, रियलमी। सो एक फ़ोन जो मैं आपको स्ट्रेट पर रिकमेंड करता हूँ, इसको आप ले लेंगे डिसअपॉइंट नहीं होंगे, वो है जो लेटेस्ट लॉन्च हुआ है, इन्फिनिक्स हॉट 10। ये फ़ोन रियली डिफरेंट है कम्पेयर टू अदर फोन्स के। यस, कुछ चीज़ें यहाँ पे मिसिंग हैं, बट यू नो 10,000 के अंदर में रियली आपको सभी चीज़ नहीं मिल सकती हैं। बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है, स्लिम फ़ोन है, और 6 GB रैम ऑप्शन आपको मिलता है, जो कि बहुत ही रेयर है, स्पेशली न्यू लॉन्च फोन। अगर आप पुराने मॉडल लेंगे तो हो सकता है आपको 10,000 के अंदर में 6 GB रैम मिल जाए, क्या पता 8 भी मिल जाए, लेकिन लेटेस्ट लॉन्च में इन्फिनिक्स हॉट 10, गुड डिज़ाइन, स्लिम फ़ोन, बड़ी रैम, फास्टर प्रोसेसर, आई गेस G70 प्रोसेसर है, जो बहुत ही अच्छा है, एंड स्लीक भी है, डिस्प्ले काफ़ी बड़ा है, और बैटरी इसकी सुपर एक्सेप्शनल है। इन्फिनिक्स हॉट 10 से आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, बट मुझे जो थोड़ी सी कॉन्स लगती है इसमें, स्पेशली रोम को लेके, बहुत ही हाईली कस्टमाइज रोम है और बहुत से एड्स उसमें आते रहते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा रिव्यू इसका कैसा है। तो ये फ़ोन आप ले सकते हैं 10 से 15 में, कुछ अच्छे फ़ोन्स हैं, और यहाँ पे स्पेशली कुछ चीज़ें बहुत ही रेयर होती हैं, लाइक एमोलेड डिस्प्ले मिलना सिर्फ सैमसंग के फ़ोन में मिलते हैं, हाई रेफ्रेश शेड बहुत ही कम है, एक ही फ़ोन ऐसा था जिसमें 90 Hz मिलता है 15,000 के अंदर में, प्लस ऑल राउंडर फोन्स तो ही हैं। तो 3 फ़ोन मैंने लिस्ट आउट किए हैं, वैसे और भी वेरियंट्स हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं, लाइक रियलमी 7 बहुत ही अच्छा फ़ोन है इस प्राइस में, सिमिलर स्पेक्स में आपको नाजो 20 Pro मिल जाएगा, आई गेस उसमें 90 Hz नहीं है। रियलमी 7 में आपको G95 मिलता है, 14,999 का ये फ़ोन है, प्लस क्वाड कैमरा ऑब्वियसली है ये इसमें, 64, 8, 2, 2 यानी कि 64 मेन, 8 अल्ट्रा वाइड, 2 डेप्थ, 2 मैक्रो, ये कॉमन कॉम्बिनेशन है जो मिलता है इस प्राइस में। सो रियलमी 7 रियली अच्छा है, आपको हाई रिफ्रेश रेट मिलता है, जो कि बहुत ही रेयर है इस प्राइस में। उसके अलावा एक अच्छा फ़ोन, अगर आप अच्छा क्या मीन सैमसंग का एक्सिनोस 9611 एंशियंट प्रोसेसर फ़ोन, तो ज़्यादा गेमिंग आप नहीं करते हैं, आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जो बिग बैटरी हो और लंबी भी चलती हो, एमोलेड डिस्प्ले, ज़्यादा मीडिया कंज्यूम करते हैं, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, यू नो अगर आपको टाइम इंस्टेंटली देखना होता है, फ़ोन रखा हुआ आप घर में वॉल क्लॉक नहीं रखते हैं, तो सैमसंग का ये फ़ोन अच्छा है। 48 MP का सेंसर यहाँ पे है, आई बिलीव सैमसंग GW1 होना चाहिए, GM2 या G1 कुछ होना चाहिए, 20 MP की सेल्फी है, और 13,999 मिलता है। तो ये फ़ोन भी मैंने यूज़ किया है, अच्छा फ़ोन है, जैसे मैंने बताया अगर आप ज़्यादा गेमिंग नहीं करते हैं तो, क्योंकि इससे अच्छे गेमिंग ऑप्शन आपको मिल सकते हैं इस प्राइस रेंज में, राइट। और रेडमी 9 Note 9 Pro, Poco M2 Pro ऑलमोस्ट सिमिलर फ़ोन है, बस नाम का फ़र्क है, तो ये फ़ोन भी आप ले सकते हैं। प्रोसेसर अच्छा है, Snapdragon 720Z है, जो कि रियली अच्छा है, 48 MP मिलता है, अगर आप नंबर पे नहीं जाते हैं तो टेक्स गुड फोटो, 5,000 mAh की बैटरी आपको मिलती है, तो ये सभी चीज़ें चल जाएगी। 3 फ़ोन मैंने लिस्ट आउट किए जो आप देख सकते हैं, बाकी आप वेरिएशन देख लीजिएगा, लाइक नाजो 20 प्रो भी है, रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स भी है, जिसमें थोड़ा कुछ अलग मिलता है, बट यू नो आप पुराने वीडियोज़ देख के अंदाज़ा लगा लीजिएगा, आपको थोड़ा स्पेक्स देख के समझ में आ जाएगा। तो ये 3 फ़ोन आप कंसिडर कर सकते हैं 10 से 15,000 में। ओके, अब ये जो मेन कैटेगरी है जहाँ बहुत ही अच्छे फ़ोन हैं 15 से 20,000 में, क्योंकि सभी फ़ोन के दाम अब GST हाइक के बाद बढ़ गए हैं। आपको याद होगा एक टाइम पे रेडमी नोट 8 9,999 में मिलता था 4 GB रैम वेरिएंट, नोट 9 अब देखेंगे तो आई गेस 12,000 के आसपास पहुँच गया है, तो यू नो लॉकडाउन के बाद काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। और अगर आपको एक पुराना फ़ोन भी है Xiaomi Mi A3, अगर आप लेना चाहते हो एंड्रॉयड 1 प्रोग्राम में 15,000 के अंदर में, तो वो भी आप ले सकते हैं। Sony MX586 है, AMOLED डिस्प्ले, इन डिस्प्ले सेल्फी है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर सॉरी, और रियली क्रेजी सेल्फी लेता है 32 MP, वो भी आप कंसीडर कर सकते हैं 10 से 15,000 में।
ना 15,000 के ऊपर भी फर्स्ट आपको मैं एक बता दूं, जो पर्सनली मुझे ऐसे फ़ोन अच्छे लगते हैं, लाइक आपको सेल्फी ज़्यादा नहीं लेते हैं, आपको नो नॉच फ़ोन चाहिए, जस्ट बिग डिस्प्ले ओनली, तो मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस है, 17,000 के आसपास मिलता है, कार्ड्स ऑफर लगाएंगे कुछ और कम में मिल जाएगा, 17,499 एग्जैक्टली। स्नैपड्रैगन 730Z है और स्टॉक एंड्रॉइड है, ये एक्सपीरियंस आजकल वैसे रेयर हो गया है, यू नो अगर आपको स्टॉक फ़ोन चाहिए ये मिल जाएगा, कोई भी नॉच नहीं है, पॉपअप कैमरा है, ये अच्छा है, बाकी सैमसंग GWN सेंसर है, 5000mAh की बैटरी है, 18W के चार्जर बॉक्स मिलता है, ओवरऑल मोटोरोला के फ़ोन भी डिसेंट होते हैं, अपडेट्स भी आपको मिलेंगे, तो नो नॉच के फ़ोन बहुत ही रेयर हैं, ऑनर 9X आया था वो भी आप ले सकते हैं, यू नो अगर आप हुआवे के फ़ोन लेना चाहते हैं प्लस आप ये भी फ़ोन कंसिडर कर सकते हैं, तो ऑनर 9X आपको 10 से 15 के बीच मिल जाएगा, आई गेस 14,000 के आसपास मिलता है, 9X प्रो में गूगल प्ले सर्विसेज नहीं है तो वो भी एक कॉन्स है, बट मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस गुड फ़ोन आप ले सकते हैं। एंड क्वाइट रिसेंटली हमने पोको X3 टेस्ट किया था, ये फ़ोन भी ओवरऑल बहुत अच्छा है, बट एक मेजर कॉन्स मुझे लगती है कि ये फ़ोन गाइस रियली भारी है, आई मीन कम ऑन, मैं आपको एक फ़ोन दिखाऊं, मैं अगर सैमसंग गैलेक्सी M51 होल्ड करता हूं और पोको X3 होल्ड करता हूं तो ये फ़ोन भी ज़्यादा हैवी फील होता है, ज़्यादा हैवी, इसमें सिर्फ 7,000mAh की बैटरी, इसमें 6,000mAh की बैटरी, फिर भी देखिए डिज़ाइन का फ़र्क होता है, तो यही एक कॉन्स है, बहुत ही बड़ा फ़ोन है, बहुत ही बल्की फ़ोन है, अगर आप कोई प्रॉब्लम नहीं है तो पोको X3 अच्छा फ़ोन है, गुड प्रोसेसर है, लेटेस्ट प्रोसेसर मिला है, न्यूली लॉन्च्ड है और कैमरा भी डिसेंट है, सोनी सेंसर है जो कि अच्छा होता है, तो पोको X3 भी आप ले सकते हैं, 33W का चार्जर बॉक्स मिलता है और 64-13-2-2 ये कॉम्बिनेशन है, 30MP अल्ट्रा वाइड और डेड कैमरा है जो मैक्रो लेंस और 2MP का पोर्ट्रेट लेंस दिया गया, डेप्थ सेंसर सॉरी। आफ्टर दैट एक फ़ोन जो मुझे रियली पसंद है, कल मैंने आपको दिखाया था, अगर आपको एक प्रीमियम लुकिंग फ़ोन चाहिए, यू नो लेदर की फीलिंग चाहिए, यू नो जो सुट्टा वाली फीलिंग आती है, वो कचरा सेट आपने देखा होगा ना हीरा फेरी में, वही वाली फीलिंग लेनी है तो वो आप ले सकते हैं, रियलमी 7 Pro सन की एडिशन, एक्चुअली ये यहीं पड़ा हुआ है तो आप देख सकते हैं ये सन किस लेदर एडिशन कैसा दिखता है, रियली नाइस फ़ोन है, प्रीमियम लुकिंग फ़ोन है, स्लिम फ़ोन है, फास्टेस्ट चार्जिंग आपको मिलती है इस प्राइस सेगमेंट में, तो ये 20,000 का फ़ोन मिलेगा 6GB रैम में, गुड कैमरा, एमोलेड डिस्प्ले, इन डिस्प्ले यू नो इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर है, कोई हाई रिफ्रेश रेट नहीं है जो कि आपको इस प्राइस से मिल सकते हैं, बट अगर वो आपके लिए डील ब्रेकिंग नहीं है, आपको गुड डिस्प्ले, फास्टेस्ट चार्जिंग, स्लिक फ़ोन चाहिए, रियलमी 7 Pro आप कंसिडर कर सकते हैं, रियली लाइट वेट है, सिर्फ 30-32 मिनट में पूरा फ़ोन चार्ज हो जाता है। मूविंग ऑन, एक पुराना फ़ोन आप ट्राई कर सकते हैं, Realme 6 Pro, अगर आप थोड़ा सा बजट बचाना चाहते हैं, पोको X3 की कंपैरिजन में है एंड बट यहाँ पे आपको सिर्फ 90Hz का यू नो मिलता है हाई रिफ्रेश रेट, 120 नहीं है, पोको X3 में 120 है जो कि यू नो फ़र्क दिखता है, बट अगेन सबकी ये प्रायोरिटी नहीं हो सकती है, तो Realme 6 Pro में अच्छा प्रोसेसर है 720Z जो कि 7th Pro में मिलता है, बट ग्लास डिज़ाइन का फ़ोन है, अगर आपको वो फ़ोन चाहिए तो आप कंसिडर कर सकते हैं, यू नो वो भी अच्छा फ़ोन है, उसमें ड्यूअल फ्रंट कैमरा है जो थोड़ी बेटर सेल्फी लेता है, 16+8MP। एक और फ़ोन आप सैमसंग का कंसिडर कर सकते हैं, अगर आप नॉन चाइनीज़ ब्रांड चाहते हैं लाइक कोरियन ब्रांड, तो M31S अच्छा फ़ोन है, 19,500 का है, बिग बैटरी, बिग डिस्प्ले, रियली सॉलिड ड्यूरेबल फ़ोन, तो आपने ड्रॉप टेस्ट देखा था, ये फ़ोन ड्रॉप टेस्ट में फेल नहीं हुआ था, इट्स वेरी गुड फ़ोन, 25W का चार्जर बॉक्स मिलता है, 6000mAh की बैटरी है, गुड कैमरा सेंसर यहाँ पे है, 64MP का है, 32MP की सेल्फी है, बट प्रोसेसर थोड़ा सा लेट डाउन है, अगेन M31S भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ में, राइट तो ये तो गाइस कुछ फ़ोन थे जो आप ले सकते हैं 15 से 20 में, तो मेरे लिए तीन फ़ोन एग्जैक्टली मैं आपको स्टेट में रिकमेंड करता हूँ, पोको X3, Realme 7 Pro और गैलेक्सी M31S, अदरवाइज मोटोरोला भी आप जा सकते हैं इनकेस आप स्टॉक फ़ोन चाहते हो। मूविंग फर्दर अगर हम 20 से 25 में जाते हैं, यहाँ पे कुछ फ़ोन हैं जो बहुत ही एक्साइटिंग हैं अभी भी, फॉर एग्जांपल अगर आप iPhone SE 2 में एक बहुत बिग प्रॉब्लम है नंबर स्विच की, मैं आपको आगे बताता हूँ, Redmi K20 Pro आपको याद होगा, आई बिलीव जब मैंने इस फ़ोन को लिया था तब ये 28,999 का था, अब यही फ़ोन आपको मिल रहा है 22,000 के आसपास में, स्नैपड्रैगन 855, गोरिल्ला ग्लास 5 दोनों साइड में है, मेटल का फ्रेम है, पॉपअप कैमरा, इन डिस्प्ले एमोलेड डिस्प्ले, रियली कूल, सोनी MX586 कैमरा सेंसर है जो कि बहुत ही अच्छा है, तो अगर आप थोड़ा सा पुराना फ़ोन लेना चाहते हैं तो
रेडमी K20 Pro भी बहुत ही अच्छी डील है, एटलीस्ट 2 साल तक तो ये फ़ोन अपडेट पाएगा ही, और बहुत ही कूल फ़ोन है। और इसके अलावा 3 फ़ोन और बचते हैं जो आप ले सकते हैं। आप अगर आपको हायर रिफ्रेश रेट चाहिए लाइक 120 हर्ट्स, तो आप पोको एक्स, ये रियलमी X3 आप कंसिडर कर सकते हैं। 120 हर्ट्स है, 855+ प्रोसेसर है, और बहुत ज़्यादा रैम ऑप्शन मिलता है। आजकल मैं इसी फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ, वन प्लस नॉर्ड, आपने देखा होगा मेरा भी रिपेयर में गया है, तो मैंने भी करेंटली इसी फ़ोन ने स्विच किया है। बहुत ही फास्ट काम करता है, अच्छा है, सभी कुछ कूल है, कैमरा भी ओके है, नॉट वेरी इम्प्रेस्ड विद द कैमरा, बट डिसेंट कैमरा है। सो हायर रिफ्रेश रेट, फास्ट चार्जिंग एंड गुड प्रोसेसर चाहिए तो आप रियलमी X3 कंसिडर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल रहा है, लगभग 25,000 में ये भी मिल जाता है। और उसके अलावा एक सैमसंग का भी लेटेस्ट फ़ोन है, गैलेक्सी M51। ये फ़ोन कुछ खास है, इसमें बहुत ही बड़ी बैटरी है, यू नो हैवीएस्ट जो आपको मिल सकती है, बिगेस्ट फ़ोन तो हैवी फील ही होता है। प्रोसेसर यहाँ इम्प्रूव हुआ है, 730G है, एक्सिनॉस नहीं है, दैट इज़ वेरी ग्रेट। 6.7 इंच की बड़ी डिस्प्ले, आप बहुत ज़्यादा मीडिया कंज्यूम कर सकते हैं। सैमसंग का सेंसर नहीं बल्कि सोनी के सेंसर है इसमें, 64-12-55। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे गाइस जो मैक्रो है वो 5 मेगापिक्सल का है, अनलाइक अदर फोन्स जो 2 मेगापिक्सल के मैक्रो देते हैं जो काइंड ऑफ डेड हैं, बट यहाँ पे 5 मेगापिक्सल है, तो M51 कंसिडर कर सकते हैं। बट एट द लास्ट, अगर मुझे एक फ़ोन रिकमेंड करना हो 20 से 25 में, कंसिडरिंग एवरीथिंग, यू नो फ्यूचर भी देख के, तो वन प्लस नॉट बहुत ही अच्छा फ़ोन है जो आप ले सकते हैं। रीज़न, AMOLED 90 हर्ट्स AMOLED आपको मिल रहा है, इवन दो कुछ और फ़ोन भी हैं लाइक रियलमी X2 Pro में आपको 90 AMOLED मिलता है, बट वन प्लस नॉट थोड़ा सा आपको सस्ता मिल जाएगा, ओके, बट उसमें आपको A55+ प्रोसेसर मिलता है जो कि काइंड ऑफ डिफरेंट है, एक्सपीरियंस आपको बढ़ा देगा। ST765G 5G प्रोसेसर यहाँ पे दिया गया है, स्लीक फ़ोन है, स्लिम फ़ोन है, ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं है, बट आई होप अगर आप बूट केस लगाएंगे तो आपके लिए काम चल जाएगा। तो वो फ़ोन भी आप कंसिडर कर सकते हैं। 48 मेगापिक्सल का कैमरा उसमें दिया गया है, 586 है सोनी का, बट यू नो वन प्लस के कैमरा सेंसर्स अच्छे होते हैं, यू नो जो जिस तरह वो उसको यूज़ करते हैं रियली गुड होते हैं, तो ये फ़ोन आप ले सकते हैं। 32+8 मेगापिक्सल की फ्रंट सेल्फी है, तो अगर आप 3 साल तक एटलीस्ट फ़ोन यूज़ करना चाहते हैं तो वन प्लस नॉट आपका परफेक्टली काम करेगा। सो गाइस, दैट्स बीन इट, इस मंथ के कुछ फ़ोन जो आप परचेज कर सकते हैं, एंड आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।